हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आऊँ फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिजी बैंक जो एप्लीकेशन है, अगर आप उसका पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उसे कैसे रिसेट कर सकते हैं। मीन्स कि आप कैसे उसे फिर से अपना नया पासवर्ड रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है। आप मेरी वीडियो पर इंटरेस्ट देखिए, आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिजी बैंक एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो वो लॉग इन करने को यहाँ पे क्लिक आया, यहाँ पे देखिए लॉग इन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इस पर लॉग इन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं लॉग इन पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे वो पासवर्ड डालने को रखा होगा। आप यहाँ पे आपने पासवर्ड भूल गया, आप यानी कि आपका पासवर्ड भूल चुके तो आप यहाँ पे नीचे ट्रबल लॉगिंग इन का जो ऑप्शन आ रहा है, ट्रबल लॉगिंग इन, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा होगा आई फॉरगॉट माई पासवर्ड, आई हैव अनदर लॉगिन इशू। तो यहाँ पे अगर आपका पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा आपका मोबाइल नंबर डालने को, साथ साथ ईमेल एड्रेस डालने को। तो चलिए मैं आपको लाइव यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालकर बताता हूँ। ये आप फिल करिए, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है। देन उसके बाद में आपको नीचे का जो राइट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लीजिए। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बोलेगा वो अपना पैन नंबर डालने को। यहाँ पे लिखा है इंटर योर पैन नंबर, तो आपको यानी कि पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डालना है। बहुत ही मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको आपके सामने पैन नंबर डालकर बताता हूँ। बहुत ही सिंपल स्टेप से आपको दो ही स्टेप्स करने पड़ते हैं। एक तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, देन आपको ईमेल एड्रेस, लास्ट वाला जो ऑप्शन है आपको पैन नंबर डालना है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे पैन नंबर डालकर बताता हूँ। देन पैन नंबर डालने के बाद में आपको नीचे यहाँ पे राइट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। देन आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखा होगा इंटर न्यू पासवर्ड। यहाँ पे लिखा है यूज 6 to 20 कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स एंड और नंबर्स पासवर्ड अलाउस। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ ऑलरेडी 6 से 20 कैरेक्टर्स आप रख सकते हो। साथ साथ आप ये भी आपको जो मेंशन किया आपको ये आपको यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड रख दिया है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ चुका है पासवर्ड हैज़ चेंज फॉर योर यहाँ पे सिक्योरिटी यू देखिए विल नीड टू पासवर्ड लॉग। है हैज़ चेंज और थोड़ा नज़दीक लिखा था फॉर योर सिक्योरिटी यू विल नीड टू लॉग इन अगेन बिसाइड इट्स ग्रेट वे टू रिमेंबर योर पासवर्ड। तो चलिए वो कह रहा है कि फिर से अभी लॉग इन करना पड़ेगा आपको, जाके आपको पासवर्ड आपका याद रहे। तो चलिए मैं फिर से यहाँ पे लॉग इन इन पे आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लॉग इन इन पे क्लिक करने बाद में पासवर्ड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। जो आपने नया पासवर्ड रखा है वही आप यहाँ पे पासवर्ड क्लिक कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको लाइव यहाँ पे मैं आपको पासवर्ड वो डालकर बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो नया पासवर्ड रखा था वहाँ पे मैं डाल लिया। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लॉगिन हो जाए, क्योंकि मैंने जो नया पासवर्ड है मुझे याद है इसलिए मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे आप रख सकते हैं अपना यानी कि रीसेट कर सकते हैं आपका पासवर्ड। बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स या फिर क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।